धर्मशाला उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार को गति देते हुए चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के नेता पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिससे धर्मशाला में एकाएक राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने धर्मशाला में दो चुनावी जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशी विशाल नेहरिया के पक्ष में जन समर्थन जुटाया। धर्मशाला उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार को गति देते हुए चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के नेता पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिससे धर्मशाला में एकाएक राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के प्रचार में उतरने से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार की कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने धर्मशाला में दो चुनावी जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशी विशाल नेहरिया के पक्ष में जन समर्थन जुटाया। जनसभाओं को संबोधित करने के पश्चात धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे वह आम चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। उन्होंने कहा कि इसी के तहत आज धर्मशाला में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। धूमल ने दूसरी राजधानी के प्रश्न को लेकर कहा कि कांग्रेस वाले कागजी सवाल करते हैं और कांग्रेस कागजी अधिसूचना जारी कर राजधानियां बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रैक्टिकल काम करके लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाती है। कांग्रेस द्वारा भाजपा के अब की बार 20,000 पार के नारे को कारगर साबित न होने के जवाब में धूमल ने कहा कि कांग्रेस को अपनी चिंता नहीं है, बल्कि ये चिंता है कि कांग्रेस कितने हजार वोटों से हारेंगे। इन्वेस्टर मीट को लेकर विपक्षी नेता मुकेश अग्निहोत्री के हिमाचल ऑन सेल के आरोप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे सत्ता में थे तब भी कांग्रेस ने 2012 में ऐसे ही आरोप लगाए थे, लेकिन सेवानिवृत्त जस्टिस सूद की अध्यक्षता में बनाए गए इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जितने भी गलत कार्य पकड़े गए थे वे कांग्रेस के समय के थे। धूमल ने कहा कि बाद में जब 2012 में कांग्रेस सत्ता में आई तब कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को ही दबा दिया। उन्होंने कहा कि जो कार्य अभी हुआ ही नहीं उस पर इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं, और यदि कांग्रेस को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है तो कांग्रेस को ठोस मुद्दों पर बात करनी चाहिए, और ऐसी हवाई बातें करने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो। इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लेकर और जिस कार्यकर्ता की जहां ड्यूटी लग रही है वो काम कर रहा है, उसी के तहत आज मुझे कहा गया कि आज का दिन धर्मशाला में आपको आना है। यहां आया हूं, एक जनसभा हो गई है, आपसे मिलना था, आपसे मिलना हुआ, अब अगली जनसभा में जाऊंगा। कांग्रेस, आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि दोनों सचिवालय हमने बनाए, अनेकों कार्यालय हम लाए, स्पोर्ट सिटी के तौर पे हमने विकसित किया, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हमने बनाया। तो कांग्रेस वाले कागजी सवाल करते हैं, कागजी नोटिफिकेशन करके राजधानियां बनाते हैं, हम प्रैक्टिकल धरती पर काम करके सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करते हैं। कांग्रेस को लगता है 25,000 से जीत जाएंगे, कांग्रेस को कारगर इस करके लग रहा है कि जब मार्जिन बढ़ रहा होगा ना, कांग्रेस को अपने चिंता नहीं है, चिंता उनको है कि कितने हजार वोट से हारेंगे, 20,000 से हारेंगे, 25 से हारेंगे, 21 से हारेंगे। ये कारगर होने का तो मुझे समझ नहीं आती इसका मतलब क्या, और क्या था उनका। जब हम सत्ता में थे तब भी आपको याद होगा 2012 में हिमाचल और सेल का नारा लगा था, हमने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया था, जस्टिस सूद जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड सीनियर जज थे उनके अध्यक्षता में, और जितने गलत काम पकड़े गए थे कांग्रेस टाइम के थे। सत्ता में कांग्रेस बाद में सत्ता में आ गई 2012 में और उन्होंने रिपोर्ट को ही दबा दिया, कहा कि हम इसको मंजूर नहीं करते। और आपको याद होगा पड़ोग में एक होटल जो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था, उस होटल को वापस इन्होंने कर दिया क्योंकि उसमें 118 का उल्लंघन हुआ था। तो पहले ही कोई काम हुआ ही नहीं उससे पहले का ना हिमाचल और सेल। मैं मानता हूँ कांग्रेस को अगर सशक्त विपक्ष होना है तो ठोस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, ऐसी हवाई बातें करने से लाभ नहीं होता। सजेशन फॉर एक्शन,
आपने सुझाव दिया, इसको जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचा देंगे।